आइए दोस्तों, हम तीन स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं आज, ग्लेनमार्क, सुजलॉन एनर्जी और जीएलएस। तो हम देखेंगे कि जीएलएस में हमारी नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी फ्राइडे को ही लिस्ट हुआ है, और अदर स्टॉक्स में लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उसको एक बार देखेंगे। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट के इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सुजलॉन एनर्जी की चर्चा शुरू करना चाहूंगा। तो इनका क्या है, उनके एक विंडमिल प्रोजेक्ट्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुजरात के एक विलेज में सगनारा फॉरेस्ट है, तो उसको विंडमिल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है विंडमिल्स वाला, तो ये जो है यहाँ पे देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी फर्म सुजलॉन फॉर देयर प्रोजेक्ट नियर द विलेज। तो उनको एक जो लैंड मिला है, तो विलेजर्स कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारे आप कह सकते हैं फॉरेस्ट को उन्हें खतरा लग रहा है। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है सुजलॉन के लिए, बट मुझे लग नहीं रहा कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक दो दिन के लिए इसका इम्पैक्ट हो जाए। अब बाकी दोस्तों, अगर मैं तीन टॉप सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के स्टॉक्स की बात करूं, इसको लेके आर्टिकल निकला था, तो आइए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से तीन स्टॉक्स हैं। टाटा पावर है, सुजलॉन एनर्जी है और हमारा अदानी पावर है। तो यहाँ भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इसमें सुजलॉन एनर्जी का ये बताया गया था कि फ्यूचर्स हमारे अच्छे हो सकते हैं। चार्ट पे अब देखूँ दोस्तों, तो इस सुजलॉन एनर्जी की क्या कंडीशन लग रही है, आप सभी को पता है ये लोअर और अपर सर्किट वाला स्टॉक है, बट अभी इस रिसेंट में इसकी हालत थोड़ी सुधरी हुई हमें लग रही है। जैसे यहाँ पे तो देखिए एकदम लोअर अपर वाला था, बट अभी थोड़ा सा लग रहा है ये स्टेबलाइज हो रहा है। तो आइए अब हम अगर ट्रेड करते हैं इस स्टॉक में, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 रुपये के पास से ये रिवर्स किया था, तो आपको अगर फिर से पोजीशन बनाते हैं तो आपको वही 6 रुपये के पास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और दोस्तों, जो हमारे टारगेट्स रहेंगे 7.5 रुपये और 9.5 रुपये तक के टारगेट्स को एम करके चलेंगे। पेनी स्टॉक है, अपने ही पोर्टफोलियो अमाउंट का बहुत छोटा सा ही अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ज़्यादा बिना सोचे समझे निकल जाइएगा। आइए दोस्तों, अब हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका की लिस्टिंग हुई थी फ्राइडे को। तो यहाँ पे देखिए, जो हाई नेट इंडिविजुअल्स थे उनको लॉस हुआ, क्योंकि ग्लेनमार्क काफ़ी आप कह सकते हैं फ्लैट ही खुला था, 5% ऊपर खिला था, बीच में फिर भागा था, बट वापस 3-4% बढ़ोतरी पे ही क्लोज हुआ, मात्र 4% की नेट बढ़ोतरी पे क्लोज हुआ। तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि कोई आईपीओ इतना डाउन गया है। तो वही हर जगह यही था कि इनका जो डेब्यू है वो उतना अच्छा नहीं हुआ है, और यहाँ पे 3.9% ओवर आईपीओ प्राइस। तो ओवरऑल दोस्तों, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप बहुत ही सोच समझ के इसमें ट्रेड करिएगा। अगर करते हैं तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आईपीओ लिस्टेड स्टॉक है तो एकदम से गिर भी सकता है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। मेरा मानना है 740 के पास का स्टॉप लॉस सही रहेगा। तो मतलब अगर उस दिन आपने लिया और अगर ये नीचे जाते हुए दिखे तो आप तुरंत एग्जिट कर जाइए, पॉजिटिव जब तक दिख रहा है आप रखे रहिए। ऐसे तो जो हमारे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 760, 780 और 800 के निकल के आ रहे हैं, बट ये मैं सब कुछ 5 मिनट की कैंडल्स पे देख रहा हूँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 5 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए, तो ये 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए मैं बस ये लेवल सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 740 का स्टॉप लॉस रखिए और मैक्सिमम आप 800 तक के टारगेट्स को एम करके चल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक बार ग्लेनमार्क का चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये अभी काफ़ी अच्छी बाइंग लेवल्स पे है। यहाँ देखिए 700-680 के लेवल से गिर के ये स्टॉक अभी 600 के आसपास है। पहले देखिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था उसके लिए, अब यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट 1 बार 2 बार, तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है और 100 DMA का सपोर्ट भी है, तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। उसका रीज़न क्या है कि आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखना है, 570 रुपीज़ का, 4% के आसपास का, और जो हमारे टारगेट्स है वो 680 रुपये तक के टारगेट्स को हम एम करके इस स्टॉक में चल सकते हैं। तो ये दोस्तों इसमें है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है और फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है, 570 के आसपास का स्टॉप लॉस और 680 से 700 के बीच के टारगेट। अब जैसे यहाँ पे देखिए 630 के आसपास जरूर इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, और जैसे ही 630 को ब्रेक करेगा 700 तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस ग्लेनमार्क को लेके,
और GLS और सुजलॉन एनर्जी को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।